नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल की क्लास चल रही है हमारे चैनल पर लगातार। ग्रामीण परिवेश में पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है ये। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक कीजिए और सारे मॉक टेस्ट आपके सामने होंगे, उन सबको आप कर सकते हैं। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ पर मिल जाएगी। चैनल से आप बने रहें, आपका चयन निश्चित होगा, अपना चयन पक्का करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है आज का, जो है वो है दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी। सही उत्तर बताइएगा आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक सही उत्तर है इसका, जिसका ऑप्शन डी जो सोचे थे उनका उत्तर सही हो गया है। किस स्वपाषित फसल में संकर किस्में उगाई जा सकती हैं? तो संकर किस्में किस्में उगाई जा सकती हैं? ऑप्शन बी मटर सही है। उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? अब इस क्वेश्चन को सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जो आंवला की जो बेल्ट है, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इन जगहों पर होता है, तो इलाहाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहत सिंचाई योजना में शामिल है, देखिए मैंने आपको सिंचाई के बारे में बताया, पूरा एक मॉक टेस्ट उसके बारे में बताया है और पूरे मॉक टेस्ट क्या पूरा डिटेल में थ्योरी आपको पढ़ाई थी, तो ये प्रश्न देखिए वहीं से आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है उसको बृहत सिंचाई योजना में शामिल किया जाता है। इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। मूंग और लोबिया फसलें हैं, कौन सी फसलें हैं मूंग और लोबिया, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है जायद की फसल। मूंग और लोबिया किसकी फसल है? जायद की फसल है। राजस्व न्यायालयों के मुख्य विषय कौन नहीं है? राजस्व न्यायालयों के मुख्य विषय जो है, इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, इन ऑप्शन में से जो दिया गया है वार्षिक कार्य योजना का कार्य जो होता है ये उनका मुख्य विषय नहीं है, बाकी सभी जो है ये उनके मुख्य विषय हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। राजस्व की भाषा में पड़ताल का अर्थ क्या है? अब पड़ताल का मतलब क्या होता है ये आप देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से क्या सही होना चाहिए, इसमें से सही जो है ऑप्शन ए, गांव का प्रत्येक वर्ष खेत में आकर 3 बार निरीक्षण। एक वर्ष में खेत में जाइए आप, 3 बार जाकर निरीक्षण कीजिए, तो उसी को राजस्व में पड़ताल बोलते हैं। पड़ताल कौन करेगा? लेखपाल करेगा। लेखपाल को हर किसान के खेत पे साल में 3 बार जाकर उसकी नापजोक करनी है, लेकिन ये नापजोक होती नहीं है, 3 बार क्या 25-30 साल तक नापजोक नहीं होगी, जब तक चकबंदी होती तभी नाप जो होती है। कभी कभी जो दो किसानों में विवाद होता है तब वो लोग लेखपाल को बुला के लेके आते हैं और तब नाप करवाते हैं, तब जाके नाप होती है, लेकिन करना कितनी बार है, साल में 3 बार करना है। गंठरी जरीब का आविष्कार किया, गंठरी जरीब का आविष्कार किसने किया, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश अधिकारी ने गंठरी जरीब का आविष्कार किया था। अब इसमें देखिए 1,00,000 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये मैं आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट में बताया हूँ, फर्स्ट डिटेल क्लास थी, मॉक टेस्ट नहीं था वो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 किलोमीटर के। और एक चेन बराबर होती है, एक चेन कितने के बराबर होती है, 40वां प्रश्न, 66 फीट के बराबर होती है एक चेन। ये सब आप वहाँ पढ़े होंगे तो इसे बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति का मानक क्या है, मतलब कार्रवाई करने के लिए कितने सदस्य वहाँ पे होने चाहिए, गणपूर्ति कितने से होगी, 1/3 सदस्य से होगी, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं अगर 1/3 सदस्य किसी चीज़ पर मत अपना देते हैं तो उसको मान लिया जाएगा। पंचायत में चौकीदार की नियुक्ति होती है, किस लिए नियुक्ति होती है भाई चौकीदार की यहाँ पे, ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकीदार की नियुक्ति होती है। चौकीदार की रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है, थाने में होती है, थाने 3-4 गांव को मिला के एक हलका होता है, उस हलके के लिए 2 सिपाही नामित किए जाते हैं और उन सिपाहियों के नीचे आप समझ लीजिए चौकीदार रहता है। कुछ भी अशांति टाइप की चीज़ होती है गाँव में या अशांति होने की उम्मीद होती है, किसी प्रकार के झगड़े की बात होती है, तो चौकीदार जो है सिपाहियों को इसके बारे में आगाह करता है और उनको खबर देता है, सिपाही आकर शांति व्यवस्था कराते हैं, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में चौकीदार का भी अहम रोल होता है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया किसान क्रेडिट कार्ड योजना को? ये किया गया 1998-99 में। भारत में कृषि जीन बैंक की स्थापना कब की गई? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कृषि जीन बैंक की स्थापना 1988 में की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? भूख से मुक्त दृष्टिकोण, इसका एक पर्यायवाची है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। दलहन फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहन मतलब दाल वाली फसलों जहां उत्पादन होगी तो वहां पे कौन सा चीज चाहिए आपको? आपको चाहिए कोबाल्ट। कोबाल्ट अगर होगा वहां पे जमीन में तो दलहन की फसलें बहुत अच्छी पैदा होंगी वहां पे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया कब किया गया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1986 में किया गया। तो दोस्तों ये हो गया आज का मॉक टेस्ट। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ और इस तरह के बहुत सारे मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।